वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम जो है यहाँ पर लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड, वो है यहाँ पर एनिमल टिश्यू। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द न्यू चैप्टर और वो हमारा रहेगा एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर प्रेजेंट, उसी तरीके से एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, एक सिस्टम जो होती है, वो है यहाँ पर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब जो होता है, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस तरीके से वो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट को ब्रेक किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा और इस तरीके से हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, न्यूट्रिशन। जो हम फूड मटेरियल इनटेक करते हैं वो बॉडी के अंदर जाएगा, उसका डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है। वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ये एक हो गया। रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, सांस लेने का जो प्रोसेस है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो है यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है, इम्पल्सेस आ रहे हैं, इम्पल्सेस जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर पाई जाती है, जो यहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे जनरेशन को आगे बढ़ाता है, तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक प्रोसेस जो होता है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर जो बहुत सारे यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर बनते हैं उनका एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, उनको बॉडी से बाहर खारिज कर देना, ये जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, देयर एलिमिनेशन दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। इसी के साथ साथ में एक प्रोसेस ये होता है, वो है उसको कहा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी से यूरिनेशन, पेशाब बाहर निकलता है, अगर यहाँ पर पेशाब जो है यहाँ पर जो निकलता है 24 घंटों के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फ्लक्चुएशन हो सकता है, एक लीटर से डेढ़ लीटर के करीब पेशाब जो है बॉडी से बाहर निकलता है और इसके कई क्वांटिटी में यहाँ पर वही वाटर जो है बॉडी के अंदर रीएब्सॉर्ब होता है। अगर यहाँ पर जो है यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है, अगर रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस ना हो, ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस ना हो, तो तकरीबन 180 लीटर रोज़ाना जो 24 घंटों में पेशाब बनेगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर 180 लीटर यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो 200 लीटर हम पानी पीना पड़ेगा, यानी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं रहेगा, सिर्फ पानी पीना है और यूरिनेशन करना है। लेकिन ये यहाँ पर हम देखते हैं दिन भर में 24 घंटों में हम 2-3 लीटर पानी पीते हैं और 1-1.5 लीटर के करीब पेशाब जो है यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकलता है। बाकी जो वाटर है, जो बॉडी का जो सिस्टम चल रहा है, वही वाटर बॉडी के अंदर जो यहाँ पर सर्कुलेट होता है वो बार बार यहाँ पर चलते रहता है। तो इस तरीके से मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये दोनों प्रोसेस जो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। वन साइड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने का काम भी यहाँ पर जो होता है, विच इज कॉल्ड है ऑस्मोरेगुलेशन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। शुरुआत का जो चैप्टर था उसके अंदर, पहला चैप्टर जो उसके अंदर देखा गया है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच आर ऑकरिंग इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जब गिजा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, जो भी प्रोसेस यहाँ पर पानी यहाँ पर मौजूद है बॉडी के अंदर, तो उनके ज़रिए से वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट आर ऑकरिंग इन द बॉडी, और वो केमिकल रिएक्शंस विच आर ऑकरिंग इन द बॉडी दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब वो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है एनाबॉलिज्म और दूसरा कहलाता है कैटाबॉलिज्म। आपको पता है एनाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है इन विच देयर इज सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। कुछ मटेरियल वहाँ पर बनते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उनका जो सिंथेसिस होता है, और दूसरा होता है यहाँ पर कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है डिस्ट्रक्शन, ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है, यानी केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि कुछ मटेरियल यहाँ पर ब्रेक होते हैं और इनके ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर हम देखते
देखते हैं कि यहाँ पर आफ्टर देयर ब्रेकिंग देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर जो एनर्जी पाई जाती है। तो ये दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, और यही केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट जो होता है, जो भी प्रोडक्ट हासिल होना है उसके अलावा सर्टन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन साइड द बॉडी। कुछ वेस्ट मटेरियल भी हैं जो बॉडी के अंदर यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, दीज वेस्ट मटेरियल दीज आर कॉल्ड एज मेटाबोलिक वेस्ट कहा जाएगा। ये जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर रिलीज होते हैं, जो बॉडी के अंदर यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, उनको कहा जाएगा मेटाबोलिक वेस्ट मटेरियल। और ये मेटाबोलिक वेस्ट मटेरियल दैट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैसेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के फॉर्म में भी यहाँ पर जो हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल दीज आर प्रोड्यूस इन साइड द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबोलिक केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर वही देखना है एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये जो लिक्विड गैसेस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या है, उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो वही हमें यहाँ पर देखना है, लिक्विड फॉर्म में जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म में निकलेगा, जैसे यूरिन है, यूरिन के अंदर यहाँ पर जो है तकरीबन 90-95% यहाँ पर जो है वाटर मौजूद होते हैं, पसीना निकलता है उसके अंदर 90% जो है यहाँ पर वाटर मौजूद होते हैं। ये लिक्विड मटेरियल यहाँ पर जो है फ्लूइड फॉर्म में अगर रहेगा तो वहाँ से जो है वाटर निकलते हैं, गैसियस फॉर्म में जब यहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस वो रहता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन, हम जब सांस लेते हैं रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है दो स्टेप में होता है, इंस्पायरेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सपायरेशन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है, लेकिन वही ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होती है इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट देर इज अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाती है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड विच आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी तो उसको कहा जाएगा वेस्ट मटेरियल। इसी तरीके से दूसरे इंपॉर्टेंट गैसियस वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वह नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल कहा जाएगा, और नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो यहाँ पर मौजूद होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिनिन। ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होते हैं दे आर एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ यूरिन, यूरिन के जरिए यहाँ पर जो बॉडी से बाहर खारिज होते हैं। देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल इज रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। इस तरीके से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल वहाँ पर जो मौजूद होते हैं। बहरहाल इनका जो एलिमिनेशन होता है वो जो है यहाँ पर यूरिन के जरिए होता है। हम जो है ह्यूमन बींग जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया जो यूरिन के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यही वजह है कि वी आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक, लेकिन ड्यू टू एबनॉर्मल डाइट, हमारी जो डाइट है एबनॉर्मल डाइट की वजह से हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन पायरिमिडिन नाइट्रोजन बेसिस यूरिक एसिड दैट मे बी प्रेजेंट। यूरिक एसिड जो यहाँ पर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो जॉइंट पेन यहाँ पर जो है ये होता है, जो कि एक एबनॉर्मल कैरेक्टर है जो ह्यूमन बींग के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। बट नेचुरली अवर नेचर इज यूरिया, इन अवर नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ये हमारा जो है यहाँ पर नेचर ये होता है। तो इस तरीके से फ्लूइड फॉर्म है, गैसियस फॉर्म में है। इसी तरीके से कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी यहाँ पर मौजूद होते हैं यहाँ पर नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के अलावा बॉडी से कुछ जो है यहाँ पर हम देखते हैं मिनरल सॉल्ट यहाँ पर जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट वो भी खारिज होते हैं। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं, फीकल मैटर के जरिए से भी हो सकते हैं, पसीना जो निकलता है स्वेट जो खारिज होता है उसके अंदर भी एक कंपोनेंट जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये भी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम है दोज में भी एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसी तरीके से एक्सेस अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जो यहाँ पर बॉडी से खारिज होते हैं, ज़्यादा मिकदार में जो वेस्ट मटेरियल खारिज होते हैं वो तीन टाइप के यहाँ पर होते हैं। एक है यूरिन यानी पेशाब खारिज होता है बल्क क्वांटिटी में, दूसरा होता है फीसेस फीकल मैटर फुजला पाखाना जिसको हम कहते हैं, आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्सॉर्ब कर लेने के बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल
बैक्टीरियल होते हैं, दोज आर एलिमिनेटेड, जो दोज आर इजेक्टेड आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। और तीसरा होता है यहाँ पर स्वेट, पसीना जो होता है। ये तीन ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं विच आर एलिमिनेटेड इन एक्सेस अमाउंट। फिर उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस या एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो होते हैं सर्टन टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, दोज आर ऑल्सो एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो उसके अंदर यहाँ पर होता है बिली रूबिन, ये दे आर एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ फीकल मैटर। अगर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लीवर के अंदर यहाँ पर जो है अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो बिली रूबिन यहाँ पर जो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है दे स्टार्ट टू ब्रेक द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को ये ब्रेक करते हैं और इस तरीके से बॉडी के अंदर यहाँ पर आरबीसी कम होने लगते हैं। तो जॉन्डिस के सिम्टम्स बॉडी के अंदर जो यहाँ पर दिखाई देते हैं जिसको हम कंवल की बीमारी कहते हैं। तो बिलीरुबिन ये पिगमेंट्स हैं, एक्सेस अमाउंट अगर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो दोज आर एक्सक्रीटेड आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ फीकल मैटर, पाखाने के जरिए बाहर निकलते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर यूरोक्रोम बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं यूरिन का जो कलर होता है, पेशाब का जो कलर होता है आमतौर पर दैट इज स्लाइटली येलोइश इन देयर कलर। अगर कॉन्सेंट्रेट यूरिन है तो यूरोक्रोम का यहाँ पर येलो कलर ज़्यादा रहेगा, अगर डायल्यूट यूरिन है तो बिल्कुल पानी के जैसा पेशाब दिखाई देगा। बहरहाल येलोइश कलर जो यहाँ पर यूरिन के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। ये भी पिगमेंट्स हैं विच आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ यूरिन, यूरिन के जरिए पेशाब के जरिए वो बाहर निकलते हैं। इसके अलावा एक्सेस यहाँ पर जो मटेरियल होते हैं, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स या एक्सेस मटेरियल्स जो होते हैं, हम खाना पीना कर रहे हैं और जो भी मटेरियल या दवा गोली मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं अगर उसका परसेंटेज बॉडी के अंदर बढ़ता है तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो यहाँ पर मटेरियल्स रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, दोज आर ऑल्सो एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ फीकल मैटर। तो यहाँ पर विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, ड्रग्स हैं, मेडिसिन वगैरह जो होते हैं अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन या उनका परसेंटेज बढ़ गया है तो दोज आर ऑल्सो एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर उनको जो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल भी यहाँ से जो है उसको जो है खारिज कर दिया जाएगा। और आखिर में वोलाटाइल सब्सटेंसेस अगर कुछ होते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो यहाँ पर ओपन एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर दे कैन एवोपोरेट, तो उनको वोलाटाइल मटेरियल कहते हैं। तो वोलाटाइल मटेरियल लंग्स के जरिए जैसे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर खारिज होती है तो वोलाटाइल मटेरियल इफ दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी दोज मस्ट बी एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी थ्रू द लंग्स, लंग्स के जरिए वो जो है यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो हमारा न्यू चैप्टर है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ है। सबसे पहले हमने डिफिनेशन से देखे हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। अब एक्सक्रीशन यहाँ पर जो होता है वो किसके जरिए से होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके जरिए जो वेस्ट मटेरियल है मेटाबॉलिक वेस्ट है, तीन कैटेगरी के अंदर वो पाए जाते हैं लिक्विड, गैसेस और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। और उसी की एग्जांपल देखिएगा कौन से यहाँ पर जो है यहाँ पर ये पिगमेंट्स होते हैं विच आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी। इस तरीके से हमारा ये जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हमारे चैप्टर का हो जाता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। स्क्रीन शॉट ले लेना है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू वेरी मच।